अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होमली व्लॉग्स विद अतिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश हैं, खैरियत से हैं और अपने अपने घरों में आबाद हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में है दोपहर का लंच बनाने के लिए। और आज बन रहा है लंच में एग ऑमलेट करी, तो उसी के लिए मैंने 4 प्याज कटहली मैंने काट लिया है, क्योंकि मैं ग्रेवी कंसिस्टेंसी थोड़ा बहुत रखूँगी इसलिए मैंने 4 प्याज लिए थे और 2 हरी मिर्च मैंने काटा है। तो प्याज को ना हम अच्छी तरह से भून लेंगे, प्याज अच्छी तरह से गल जाना चाहिए। तो उसी में मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा बहुत नमक और हल्दी, और प्याज अच्छी तरह से गल जाएंगे तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा बहुत लाल मिर्च पाउडर, और ये भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक 5 मिनट्स में अच्छी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ढक के पकाऊँगी। प्याज अच्छी तरह से गल चुके थे तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है आधा ग्लास पानी। अब इसे पानी सूखने तक हम ढक के पकाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं पानी पूरा सूख चुका है, बस हल्का सा है। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी अंडे। तो मेरे पास 3 अंडे थे तो मैंने वो 3 अंडे डाल रही हूँ। बस हम एज़ यूजुअल ब्रेक करके बस ऑमलेट की तरह ही डाल देंगे, बस इसे हम कुछ भी नहीं हलाएंगे, ऐसे ही रख देंगे और हम थोड़ी देर के लिए इसे ढक के पकाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ऑमलेट्स अच्छी तरह से बन चुके हैं। तो बस हम हल्के से इसे हलाएंगे, चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर करेंगे ना तो वो ब्रेक हो जाते हैं इसलिए। तो और एक 10 मिनट्स में ऐसे ही पकाऊंगी। तो बन गया हमारा एग ऑमलेट करी, आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही पसंद आएगा। क्या करते हैं सुहाना यहाँ पर? ड्राइंग कर रही हूँ। कर लो, क्लास हो गया? यस। ये सब सुहाना के ड्राइंग्स है। अगर सुहाना को जरा भी खाली टाइम मिलता ना, वो हमेशा ड्राइंग ही करती रहती है। बहुत पसंद है सुहाना को ड्राइंग करना। कर लो। अभी दोपहर का टाइम है, हमारा लंच हो गया, बच्चों का तो 1 बजे ही हो गया था, फिर उसके बाद अयान सो गए और अभी हमें भी बाहर जाना है तो इसलिए हम अयान का उठने का वेट कर रहे थे। और तब तक के लिए ना सुहाना लूडो खेलने के लिए बहुत ज़िद कर रही थी, और 2-3 दिन से वो लगातार पूछ रही थी कि लूडो खेलेंगे बाबा, एक बार लूडो खेलेंगे। तो उनके पापा आज बैठ गए थे खेलने के लिए, तो वही हम अभी खेल रहे हैं, बस मस्ती कर रहे थे थोड़ी देर के लिए। बस अयान उठ जाएंगे तो हम बाहर जाएंगे। फाइनली अभी हम बाहर आ चुके हैं, बस मैं तो बाय वॉक जा रही हूँ, नर्सरी पर जा रहे हैं हम। तो हमारे घर के पास ही है, बाहर अपार्टमेंट के बाहर थोड़ा बहुत आगे जाएंगे तो रोड पर ही है, बस इस रोड को हम क्रॉस करके थोड़ा बहुत आगे जाएंगे ना तो वहीं पर है नर्सरी। तो हमारे घर के पास ही है, तो मैं और सुहाना बाय वॉक जा रहे हैं और मेरे हस्बैंड और अयान तो बस बाइक पर चले गए थे दोनों। तो
यहाँ पर ना बहुत बड़ा नर्सरी है, रोड के इस साइड पर भी है और रोड के उधर साइड पर भी है, तो बहुत ही बड़ा है। हर रकम के प्लांट्स यहाँ पर मिलते हैं, इंडोर प्लांट्स है, शो प्लांट्स, फ्लावर्स के बहुत सारे वैरायटीज़ है, तो देखेंगे क्या लेना है। और यहाँ पर आकर ना बहुत ही अच्छा लगा, इतने सारे फूल सब को एक साथ देख कर ना बहुत ही अच्छा लग रहा था आँखों को, और मन ही नहीं कर रहा था कि बाहर जाए, बस ऐसे ही देखते रहे इन फूलों को। तो मैं तो बस बालकनी में रखने के लिए आई हूँ, तो बस रोज़ फ्लावर्स ही लूँगी। सुहाना ने दो कलर्स पसंद कर लिए थे, उनको जो चाहिए थे, तो बस फ़िलहाल के लिए तो मैं दो ही लेके जा रही हूँ, और आगे और भी ले जाऊंगी। फ़िलहाल के लिए तो अभी मैं दो ही ले जा रही हूँ, अगर वो अच्छी तरह से जिएंगे ना तो हम फिर से वापस आएंगे और थोड़े बहुत ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी टाइम 5 बज चुके हैं और अभी हम आ गए हैं बाहर से, और मेरे हस्बैंड भी चले गए हमें ड्रॉप करने के बाद, और अभी बच्चों को कुछ स्नैक्स बना के दे दूँगी। और अभी तो फ़िलहाल क्या भी काम नहीं है कुछ भी, बस घर का झाड़ू लगा दूँगी, और थोड़े बहुत बर्तन हैं दोपहर में जो हम लंच किए थे, वो बर्तन को भी अभी मैं धो के रख दूँगी, और कुछ भी काम नहीं है, बस रात का खाना बनाना है।
और बच्चों के लिए तो अभी मैं दूध बाहर निकाल के रख चुकी हूँ, और थोड़ा बहुत रूम टेम्परेचर में आ जाएगा तो मैं थोड़ा गर्म करके दे दूँगी। और अयान ना बिल्कुल भी नहीं पीते हैं दूध, तो मुझे ज़बरदस्ती उनको पिलाना पड़ता है। अभी मैं फिर से उनको आदत करने की कोशिश कर रही हूँ दूध, पहले वो बिल्कुल भी नहीं पीते थे, और बहुत ज़बरदस्ती करके मैं कुछ बातें करके ऐसे वैसे करके मैं पिलाने की कोशिश कर रही हूँ। देखेंगे कितना दिन पकड़ेगा मुझे अयान को आदत कराने में दूध पीने में। तो पहले सुहाना भी ऐसे ही थी, बिल्कुल भी दूध नहीं पीती थी, और अभी थोड़े बहुत बड़ी हो गई है ना तो वो समझ जाती है अब दूध के बारे में। हम उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी ना तो वो समझ जाती है, फिर पी लेती है। लेकिन अयान अभी छोटे हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, तो थोड़ा बहुत उनके ऊपर ज़बरदस्ती करना पड़ता है दूध पिलाने में। तो फिर चलिए आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, बच्चों को कुछ ना कुछ बना के दे दूँगी अभी। Thank you.
रात का डिनर मैं बना चुकी हूँ, रोटियाँ और बच्चों को भी मैंने खिला दिया है। फिर उसके बाद मैं बैठ गई हूँ गाजर तुरबने के लिए, और बहुत सारे थे घर में फ्रेश गाजर थे, तो थोड़े बहुत मैंने निकाल चुकी हूँ हलवा बनाने, और भी थोड़े बहुत थे वो ऐसे ही फ्रिज में रखी हूँ, डेली बच्चों को एक एक करके देती रहूँगी। तो इतने सारे होंगे ना तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और मुरझाए जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े बहुत हलवा बना दूँगी और थोड़े बहुत बच्चे भी खा लेंगे। तो अभी उसी का मैं अभी ग्रेट कर रही हूँ, और हलवा ना मैं अभी नहीं बनाऊंगी, रात हो चुकी थी, 8:30 बज चुके थे, तो बस ऐसे ही मैंने तुरुप के रख दूंगी फ्रिज में, एक बाउल में या डिश में निकाल के स्टोर कर दूंगी। और कल जब भी मैं फ्री हो जाऊंगी कामों से तो तब मैं इस हलवे को बना लूंगी। कैरेट को ग्रेट करने के बाद मैं कल के नाश्ते के लिए आटा पीसने आ गई थी, डोसा बैटर है वो, तो ये काम भी मेरा हो जाएगा, तो किचन का थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लूँगी। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और कल मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नए व्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।